हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से पहुंच रही होगी। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे विज्ञापन संख्या भी दी गई है और अनुशंसित 59 उम्मीदवारों का डीवेरिट किए जाने में के संबंध में आप देख सकते हैं दोस्तों कि लगातार मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से ये न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अवबंधित मेधा सूची मिलने के बाद भी शिक्षक अभ्यर्थियों को लगातार बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया जा रहा है। आप सभी के समक्ष मैं दिखा रहा हूँ विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 59 अभ्यर्थियों के द्वारा अपने अपने आवेदन पत्र में अपने प्रमाण पत्रों के संबंध में गलत सूचना देते हुए परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा अंतिम रूप से चयनित भी हुए। उक्त चयनित एवं अनुशंसित सूची के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा आपके योगदान हेतु आपके प्रमाण पत्रों की जांच की गई एवं पाया गया कि 59 अभ्यर्थी समुचित प्रमाण पत्र धारण नहीं करते हैं या अभ्यर्थी विज्ञापन में दिए अन्य शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं, तो इन अभ्यर्थियों को जो है फिलहाल तो कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखा देगी। 59 अभ्यर्थी ऐसे हैं और हर जगह से अब खबर आ रही है, लगातार ये खबर आ रही है कि इतने फर्जी अभ्यर्थी बाहर हुए, इनको अवबंधित नियुक्ति पत्र देने के बाद भी इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो इस प्रकार देखिए लिखा है कि आपके द्वारा लिखा है यहाँ पे स्पष्ट रूप से कि अपने आवेदन पत्र में घोषणा के साथ दे सकते हैं, लिखा है यहाँ पे कि गलत बयानबाजी, फर्जी सूचनाएँ दी गई हैं, आपके द्वारा पर्याप्त प्रमाण पत्र नहीं रहने के बाद भी जानबूझकर गलत सूचना दी गई है, तो इसके बाद कहा गया भाई कि आप पे कार्रवाई होगी और आपका सीट खाली होगा। अब ये सीट के कहाँ जाएगा? ये जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में। जब इतनी सीट आपकी खाली हो जाएगी तो भाई ये जो सीटें कहाँ जाएंगी, ये सेकंड मेरिट लिस्ट में जाएंगी और ऑब्वियसली सेकंड मेरिट लिस्ट में इन सीटों को भरा जाएगा। तो आपके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि लगातार सीटें बढ़ रही है। 4000 सीटों का आंकड़ा मैंने आपको दिखाया था और डायरेक्ट देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि अलग अलग अपडेट आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर आयोग की वेबसाइट इतने इतने इतना पर स्पष्टीकरण दें क्यों नहीं आपके इस कृत्य के लिए आपको अगले 5 वर्षों तक परीक्षाओं से डी बैरेट किया जाए। दिनांक 30/11/2023 तक यदि स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो समझा जाएगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये तत्काल कह दिया गया कि भाई आपको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। वहीं देखिए मैं आपको इतना बड़ा आंकड़ा दिखाऊंगा दोस्तों कि आप खुद देख के चौंक जाएंगे कि ये सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। देखिए थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है क्योंकि हमने ये व्हाट्सएप पे की इमेज मांगी थी किसी से, तो ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे इतने सारी संख्या में ये फर्जी कैंडिडेट्स हैं कि संख्या यहाँ पे आई है कि स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि भाई इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है क्योंकि इनके जो है फर्जी जो है प्रमाण पत्र पाए गए हैं। इनकी संख्या जो है दोस्तों लगभग 4000 से भी ज़्यादा जो है वो हो गई है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, इस आंकड़े को भी ध्यान से देखिए। हर एक जिले की वैकांत सीटें दिखा दी गई हैं, इतने देख सकते हैं टोटल सीट कितनी थी और कितने अभ्यर्थियों को अलॉटमेंट किया गया है देख सकते हैं, और इतनी सीटें जो है फिर भी यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा है। जिला आपको दिया गया है सीवर, सिकापुरा देख सकते हैं, वैशाली, कटिहार देख सकते हैं, तमाम वो जिले हैं जो स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है उसके बावजूद भी कि इतनी सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। देख सकते हैं आपके सामने मैं स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं और नीचे आंकड़ा देखिए 4619 का ये आंकड़ा जाता है। तो भाई इतनी सीटें तो आपकी वेकांट हो गई हैं, तो यानी कि कह सकते हैं कि भाई शिक्षा विभाग सबसे पहले सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करेगा और उन अभ्यर्थियों को जो 2 या 3 या 4 या 5 नंबर से कहीं ना कहीं रुके हुए हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि भाई आपका जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में ज़रूर नाम आएगा। दोस्तों आप बिल्कुल धैर्य बना के रखिए क्योंकि भाई पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, मैं कितने बार आपको इंटरव्यू पुराना दिखा चुका हूँ और आप लोगों को इसीलिए हमने पुराना इंटरव्यू दिखाया था कि भाई आप उन बातों को फिर से रियलाइज आपके समझ में आए हो बातें, क्योंकि देखिए बीपीएससी के चेयरमैन ने खुद इस बात को यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई हम जो हैं अगर ये फर्जी अभ्यर्थी नहीं होते तो उन इतने जितने भी फर्जी अभ्यर्थी बाहर हुए हैं अगर ये फर्जी अभ्यर्थी नहीं होते, पहले ही ये सही अभ्यर्थी अगर बीपीएससी शिक्षक बहाली में भाग लेते तो जो अभ्यर्थी अभी मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं उनको भी मौका मिल गया होता। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बात कही थी, आप पिछली वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 4619 यहाँ पे देखिए यहाँ पे संख्या में आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर देखिए सूचना जारी किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक प्राथमिक माध्यमिक और यहाँ पे देख सकते हैं 2 सप्ताह का प्रारंभिक देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे कि प्रशिक्षण राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों
एस सी ई आर टी सी टी ई डाइट पी टी ई सी बी आई टी ई लिखा है विपरेड किया गया के द्वारा संचालित है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आरंभिक प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किए गए जाने के बावजूद नव नियुक्त विद्यालय जैसे एक नोटिस दिया गया है यहाँ पे, और नोटिस के माध्यम से जानकारी दी गई है कि स्पष्ट रूप से पदाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। उनके लिए कहा गया कि निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान एवं तिथि में आरंभिक इंडक्शन दे सकते हैं प्रशिक्षण सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनिक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि भाई इनको भी नोटिस दिया गया है, तो हर तरफ से नोटिस आ रहा है कि भाई आपका प्रशिक्षण जो है आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कोई फर्जी अभ्यर्थी पाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि 59 ऐसे अभ्यर्थी जिनको नोटिस भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि अब बड़ी खुशखबरी जल्द आने वाली है कि जल्द से जल्द जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका आएगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट में दोस्तों आपका जल्द से जल्द चयन होगा। तो धैर्य बना के रखिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।